हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक को कैसे सिद्ध किया जाता है। 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस सर्व समका को सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम मान लेंगे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण बी बराबर कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का। आप चाहो तो लिख सकते हैं कि जिसमें कोण बी एक समकोण है। अब सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और आपको याद रखना है कि जिस न्यून कोण के रिस्पेक्ट में हमें इस सर्व समिका को सिद्ध करना हो, उस न्यून कोण को हमेशा आप यहाँ पे बनाइएगा। जैसे कि जिस सर्व समका ए न्यून कोण के सापेक्ष हमें सिद्ध करनी है, इसलिए हमने ए को यहाँ बनाया है और यहाँ पे आप बी बनाएंगे जो कि 90 डिग्री है और यहाँ पे आपका हो जाएगा कोण सी। हम सब लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण नाम दिया जाता है। न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजा होती है, सम्मुख भुजा, उसको लंब बोलते हैं और बची हुई तीसरी भुजा को आधार बोलते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण नाम दिया जाता है और जिस न्यून कोण के सापेक्ष हमें सर्व समिका को सिद्ध करना हो, उस न्यून कोण की सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं और बची हुई तीसरी भुजा को आधार बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है बेटा कि इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। तो आप सब लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण क्या है बेटा, ए सी है। इसका मतलब ए सी स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या हो जाएगा बेटा, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे इन तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के वर्ग से सभी भुजाओं को विभाजित करना है। अब हम कैसे पता करेंगे कि इन तीन भुजाओं में से किस भुजा के वर्ग से हमें तीनों भुजाओं को विभाजित करना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि सर्व समिका में कौन से पद यूज करे हैं। तो यहाँ पे देखो साइन है और कॉस है, और हम जानते हैं बेटा कि साइन का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। और कॉस का अनुपात क्या होता है, कॉस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के बटे में जो है वो क्या है, कर्ण है। दोनों के बटे में क्या है, कर्ण है। साइन के बटे में भी कर्ण है और कॉस के बटे में भी क्या है, कर्ण है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कर्ण के वर्ग से सभी को विभाजित करना है और कर्ण हमारा क्या है बेटा, एसी है। तब हम लिखेंगे एसी स्क्वायर से सभी पदों को विभाजित करने पर या भाग देने पर। तो एसी स्क्वायर
बटे क्या हो जाएगा बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। यहाँ पे जो अलग अलग स्क्वायर है हम एक साथ कर सकते हैं, और ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर को काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एक, और इसको हम लिखेंगे बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर। और आप डायग्राम से समझते हैं कि बी सी का मतलब है लंब, तो एक बराबर बी सी का मतलब क्या है बेटा, लंब, तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस ए बी आधार है तो हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक बराबर लंब बटे कर्ण क्या होता है बेटा, साइन, सो साइन स्क्वायर ए प्लस आधार बटे कर्ण होता है कॉस स्क्वायर ए। और इस प्रकार से आप इस सर्व समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं।